हाय, पहचाना? मैं तुम्हारा दोस्त राहुल। और सब बता, कैसे हो? और सुना है फिर से एक बार स्कूल खुलने वाली है ना? लेकिन हाँ, उससे पहले एक बात बताता हूँ। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ऊपर आई बटन पे वो वीडियो पहले देख लेना, बहुत मजा आएगा। हाँ पता है, सभी भैया लोग बहुत खुश हैं, रिजल्ट बहुत सा अच्छा आया। सीबीएसई वाले भैया का 99.99% आया है। बहुत अच्छे लग रहे थे। और सुना है कि फिर से स्कूल खुलने वाला है। थैंक यू सर। तुम्हारे पता है ना ग्रोवर भैया आज वो बहुत खुश थे। हम लोग जब खेलने गए थे तो वो फिर से मिले मुझे और वो बोलते हैं, अबे ओ छोटो, इधर आ। पिछले बार मैंने तुम्हें कैंसिल वाला न्यूज सुनाया था ना, इस बार जानते हो हमारा रिजल्ट भी आया। अभी पता है कितना? 99.99%। वाह भैया, वेरी गुड भैया, 99.99%। मेरा तो कभी उतना आता ही नहीं है। पता नहीं टीचर लोगों को मेरे से क्या दुश्मनी नहीं है, मुझे कभी नहीं नंबर देते, हमेशा सब में दो दो अंडे देते हैं। टीचर है या मुर्गी पता ही नहीं चलता। अबे छोटू, कुछ लिखेगा तब तो देगा ना। हमारा देख, हम तो कुछ लिखे भी नहीं, 99.99% आ गया। और वो हिंदी मीडियम वाला, उसको तो परीक्षा में भी बैठना पड़ा था ना, तूने बताया था ना। और रिजल्ट भी क्या आया? हमसे कम। भैया प्लीज इस बार सुनो मत ना, अगर वो इस बार सुन लिए और आ गए तो बहुत बात आगे बढ़ जाएगी, प्लीज। अबे छोटू तू डर मत, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ले तू मिठाई खा ले। आ गए एक बार फिर से अपनी तुम इज्जत नीलाम करने के लिए आए। वाह, आज जो तुम यह छोटू को मिठाई खिला रहे हो, याद रखना खरात में मिली सौगात को आशीर्वाद नहीं समझते, लेकिन यदि मेहनत से प्राप्त की हुई सफलता थोड़ी भी हो तो वो ज्यादा मीठा होता है, समझा? सलन नकारा आदमी 99.99% लेकर आया है। ओह माय गॉड, ये तो अमित भैया भी सुन लिए। प्लीज भैया इस बार प्लीज इस पर शुरू मत होना प्लीज। ओके अबे छोटू तू चुप कर, जब ये आ गया तो जरा फैसला भी कर लेते हैं। ये हिंदी मीडियम मुझे लड़का रहेगा, खुद तो 80% लेकर आया है और हमसे चैलेंज करेगा। इसे साथ पता नहीं मैं 99.9% लेकर आया हूं। कमाल करते हो तुम भी ग्रोवर, कमाल करते हो ग्रोवर तुम भी, 99 पे इतनी अकड़ है तुम्हें। हम यहां 100% ला करके बैठे हुए हैं। किसी ने सच ही कहा है, खोखला चना बहुत शोर करता है, वही तुम कर रहे हो ग्रोवर है? तुम कर रहे हो। ओह माय गॉड, नासिर भैया भी आ गए। मैंने कहा था ना पिछली बार का कसर जो है ना अभी भी इनका है। अब अमित भैया आप कुछ मत बोलिएगा, ओके प्लीज। अरे छोटो, ये लोग 99.9 पे और 100 पे फ्री के माल में इतना अकड़ है, लेकिन मैं सलाह अपन मेहनत करता है फिर भी इतनी अकड़ नहीं है, हां? और ये लोगों का इतना अकड़ हो सकता तो सलाह भाई, भाई सलाह चुप कैसे बैठेगा जबकि मैंने मेहनत किया है। मेहनत किया अपन ने, हाँ मेहनत किया अपने, और तुम कहते हो कि मैं इन लोगों के सामने चुप रहूं? कभी नहीं यार भाई, नहीं हो सकता भाई। आज तो मैं इसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। पहचानो मुझे, पहचानो। ओह माय गॉड, आज मेरे साथ क्या हो रहा है? ये आज मैं फिर से आज फंस गया। ये अब नया कैरेक्टर कौन आया? अबे ये कौन है? कमाल करते हो, ये अचानक धरती से तुम कैसे प्रकट हो गए? हम अंग्रेजों के जमाने से शिक्षा मंत्री हैं। अरे ये शिक्षा मंत्री है भाई, प्रणाम सर, मैं बिहार बोर्ड सर, प्रणाम सर। अबे ये तो शिक्षा मंत्री है, इसने अपन को पास कर लाया, इसने हम सबको पास कर लाया। शिक्षा मंत्री, आई मीन एजुकेशन मिनिस्टर, गुड मॉर्निंग सर। हाल है, सलाम करते हैं आपको भी हम,
सलाम करते हैं आपको सर जी, सलाम करते हैं। तो बच्चों बताओ तुम लोग कैसे हो? बहुत मस्त है सर, बहुत मस्त है सर, बहुत अच्छा काम किया सर। लेकिन सर एक एक शिकायत है सर, ये लोगों का ये फ्री में नंबर देना ठीक नहीं है सर। फ्री में नंबर ये जो दिया आपने सर ठीक नहीं है। आप उनका परीक्षा लिया सर और इन लोगों का नहीं लिया, ये बहुत गलत बात है सर, बहुत गलत बात है सर। मैं इसका विरोध करता हूँ सर, मैं इसका विरोध करता हूँ। अबे ओ हिंदी मीडियम तू चुप कर। नहीं सर आपने बिल्कुल सही किया है, इन हिंदी मीडियम लोगों को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। इन लोगों का परीक्षा क्या कठिन परीक्षा होनी चाहिए इन लोगों को। और हमारी आपके तो पता ही है, आपने हम लोगों को पास करके जो उपकार किया है ये हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे सर, कभी नहीं भूलेंगे, ये कभी नहीं भूलेंगे। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, सब भैया लोग बहुत खुश हैं, मेरा तो लड्डू खा खा करके पेट भी फूल गया। वेरी गुड सर, वेरी गुड, सबको ऐसे ही खुश रखिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन हम लोगों का स्कूल भी खुलेगा सर। हमें तुम लोगों का बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो तुम नंबर पाए हो ये झूठा है। ये झूठा 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 बोलो तो, झूठा बोलो तो क्या इसका कोई मतलब नहीं है क्या भाई? ऐसे 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 गद्दारी वाले काम नहीं करेगा साहब। ये क्या बोल रहे हो सर जी, ये झूठा मतलब ये क्या है? कमाल करते हो, पल में खुशी देते हो और पल में खुशी छीन लेते हो। हमने कहा हम अंग्रेजों के जमाने के शिक्षा मंत्री हैं, पहले तो हम तुम्हें कुछ कुछ खुशी देंगे, फिर हम तुम्हें जंजीरों में ऐसा बांधेंगे कि नौकरी भी नहीं मिलेगी। हे सर, आप ये क्या बोल रहे हो, आप ये क्या बोल रहे हो? नौकरी नहीं मिलेगी मतलब अपन बेरोजगार हो जाएगा? ये डिग्री का कोई वैल्यू नहीं भाई। लेकिन क्या सिर्फ मुझे नौकरी नहीं मिलेगी क्या इन दोनों को भी भाई? अबे हिंदी मीडियम तू जाकर के उधर खेतों में जा, हमारी तो चलती है, हमें तो नौकरी मिलेगी ना सर। हाँ हाँ सर जी बताइए, हमें तो नौकरी मिलेगी ना। हमने कहा किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। ये टिकट है, पहले तुम्हें कंपटीशन देना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी। चलो अब मैं चलता हूँ। और भाई क्या तुम्हें कुछ समझ में आया, क्या तुम्हें कुछ समझ में आया क्या बोलो? मैं बिल्कुल सब समझ गया, सर जी ने बोला है नौकरी मिलने के लिए कंपटीशन देना पड़ेगा और हम तो जानते हो कंपटीशन में कितनी तेज है, ऐसी थोड़ी ना 99.99% लेकर आए। मेरे पापा भी बोलते हैं बेटा ठीक से पढ़ाई करो वरना नौकरी नहीं मिलेगी। हे मच्छरों की तरह उछलना बंद करो, नौकरी में कंपटीशन यदि निकालेगा तो हम हैं 100% 100% है हम 100%। देखो भैया मैं आप लोगों को एक बात बोलो, मैं जो मंत्री जी ने कहा है उसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब ये था कि आपको अभी प्रमोट कर दिया जा रहा है लेकिन आपको आगे चल के मेहनत करनी पड़ेगी और कंपटीशन में तो वही निकालते हैं जो अच्छे से मेहनत करते हैं। हाँ आप तो बस इतना समझ लो कि आपको गेट पास मिला है, गेट पास, अपने अंदर का टैलेंट विकसित करो, नहीं तो आपका यह सर्टिफिकेट मात्र एक टिकट बनकर रह जाएगा जो एक गेट पास बन के रह जाएगा और आप इसे शोकेस में सजा करके रखोगे। बिना मेहनत का इस टिकट का कोई वैल्यू नहीं, सॉरी सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। बहुत अच्छा बात बोलो भाई, जिंदगी में तरक्की वही करता है जो मेहनत करता है, जिसके पास टैलेंट होता है, और सला अपन के पास तो टैलेंट है। हाँ बाद में तुम ये सभी ऐसी और ऐसी ऐसी देख लेना अपना। अबे ये तो जंग मैदान में ही पता चलेगा कि कौन असली है और कौन नकली है, किसके अंदर कितना दम है, आ जाना। बचपन में कभी किताबें नहीं छुए तुम लोगों ने और हमसे कंपटीशन करने चलते, वहां तक तो केवल हम ही पहुंचेंगे, हम ही पहुंचेंगे वहां तक। अब चलो भैया यहां से चलते हैं, नहीं तो पापा आ जाएंगे तो डांटना शुरू कर देंगे। चलो जाकर पढ़ो, हम आगे की पढ़ाई पूरी करनी है। ओके चल दे, बाय। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।